होगी। मैं आपको एक जुमला दे रहा हूँ, अभी सुनने को आता है कि हुजूर ताजु शरिया तक बरेली शरीफ मरकज है, उनके वैसाल के बाद अब कोई वैसा नजर नहीं आ रहा। और आज हुजूर अंजुम मियां को मैं मुबारकबाद दो चीज के लिए दूंगा, एक तो जश्न यौम रजा के लिए, दूसरे अपने बेटे अरसलान मियां को जबरदस्त आलिम दीन बनाने के। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, दो मुबारकबाद। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि हुजूर ताजु शरिया अपने नाना हुजूर के गुलाम वफादार सच्चे जानशी बन करके रहे तो पूरी दुनिया पर छा गए। ये मरकज खत्म नहीं होगा, अल्लाह दूसरा इंतजाम करेगा। और अगर अल्लाह ने चाहा, आला हजरत का करम हुआ तो अरसलान मियां उस मनसब को संभाल लेंगे और दुनिया को बताएंगे कि मेरे यहाँ जो उलूम व फनून मुस्तफा ने अता किए हैं वो सीना बसीना मुंतकिल हो रहा है और कयामत तक मुंतकिल होता है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसलिए कोई ये ना समझे कि बरेली इल्म से खाली हो जाएगा, बरेली तखवा से खाली हो जाएगा, बरेली फतवा से खाली हो जाएगा, बरेली उलूम व फनून से खाली हो जाएगा। यह तुम्हारा ख्याल है, बरेली मरकज है और इंशाल्लाह कयामत तक मरकज रहेगा इंशाल्लाह। जो मरकजियत को खत्म करने के लिए आएगा वो खुद खत्म हो जाएगा। बरेली शरीफ चमक रहा है और इंशाल्लाह कयामत तक चमकता रहेगा। और बरेली शरीफ के खानवादों का चेहरा देखो कितना चमकता है। अरे बोलो लिए सुभान अल्लाह। और वो मेरे नबी के इल्म को नापने वालों, आला हजरत की बात क्या करते हो, मुफ्ती आजम हिंद की बात क्या करते हो, मुफस्सिर आजम हिंद की बात क्या करते हो, आला हजरत की बात छोड़ो, मुफ्ती आजम हिंद की बात छोड़ो, मेरे ताजु शरिया का जवाब ला दो, मेरे पीरो मुर्शिद का जवाब ला दो। अगर ताजु शरिया का जवाब नहीं ला सकते तो मुफ्ती आजम हिंद का जवाब कहां से लाओगे, और मुफ्ती आजम हिंद का जवाब नहीं ला सकते तो आला हजरत का जवाब कहां से लाओगे, और जब आला हजरत का जवाब नहीं ला सकते तो मुस्तफा जाने रहमत का जवाब कहां से। जब इनका गुलाम इतना लाजवाब है तो नबी कितने लाजवाब होंगे, मुस्तफा कितने लाजवाब होंगे। हम लोग बुजुर्गों से सुनते हैं कि इनके दादा हुजूर खाते थे तो लुकमा नजर आ जाता था, इतने खूबसूरत थे। बोलो यार सुभान अल्लाह, है ना। और वो हुस्न मुंतकिल होकर के अरसलान मियां के यहाँ आ गया। और हम लोगों की पूरे सुन्नियों की दुआ है कि आला हजरत के सदके तुफैल में आला हजरत के इस चश्मो चिराग को अल्लाह ताला इसी तरह इल्म का कोहे हिमाला बना दे, ताकि दुनिया की कोई ताकत टकराए तो ये कह दे कि यहाँ टकराना आसान नहीं है, यहाँ टकराना गोया गौसे आजम से टकराना है, यहाँ टकराना गोया ख्वाजा पिया से टकराना है, यहाँ टकराना गोया मुस्तफा जाने रहमत की रजा से टकराना है, और जो वहां से टकराता है वो चकना चूर।